नमस्कार, मेरा नाम स्कंद कुमार है और मैं अभी दिवाली की छुट्टियों में घर गया हुआ था। तो घर से वापस लौटते समय मैं बहुत सी चीज़ें अधूरी छोड़ आया, तो उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। चलिए शुरू करता हूँ। आज फिर मैं अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ आया। आज फिर से दोबारा मैं अपना घर छोड़ आया। इस बार कुछ सपने बुनने के लिए, अपने सपने बुनने के लिए मैं अपने माँ के हाथों का बना हुआ स्वेटर उसी अलमारी में भूल गया। हर बार की तरह इस बार भी मेरी माँ ने मेरे लिए मेरे पसंदीदा आलू के पराठों का डब्बा मेरे हाथ में देते हुए जोर से कहा कि जाके इसे बैग में रख ले। लेकिन देखो, इस बार भी मैं उसे वहीं भूल आया। क्या कुछ सपने इतने महंगे होते हैं कि हम उन्हें उन आंसुओं के बदले छोड़ाते हैं? इस बार भी मेरी मां की आंखों ने मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं नादान जल्दबाजी में वो बातें समझ नहीं पाया। वो शायद अपनी आंखों में आंसू लिए मुझसे कहना चाह रही थी, मत जा, बोल के मुझे रोकना चाह रही थी। मैं नादान जल्दबाजी में वो बातें समझ नहीं पाया। इस बार मैं बहुत कुछ अधूरा छोड़ आया। इस बार मैं अपनी मां से लिपट के रोने का वो आखिरी मौका भी वहीं छोड़ा। मेरी मां के बहते हुए आंसू ने मुझसे कहा कि शायद रुक जा, लेकिन मैं हूं तो उन्हीं का बेटा ना। उन्होंने मुझे रोका नहीं और मैं रुका नहीं। इस बार मैं अपनी मां के आंखों में वही आंसू दोबारा छोड़ आया। मैं दोबारा अपना घर छोड़ आया। शुक्रिया।